प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि जीवन में किन गलतियों की वजह से लगता है पितृदोष, आज ही बना लेनी चाहिए आपको इन सबसे दूरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मोक्ष चैनल पर। चैनल बनाए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहते हैं, साथ ही वो राधा रानी को अपना ईष्ट मानते हैं। वहीं आजकल महाराज जी की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिसमें वो लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे होते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही उनको सही दिशा भी दिखाते हैं। वहीं प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके सत्संग में कई सारे सेलिब्रिटीज भी पहुंच चुके हैं, जिसमें विराट कोहली से लेकर अनुष्का शर्मा, ग्रेट कली और मोहन भागवत का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे ये पूछ रहा है कि पितृदोष कैसे लगता है और इससे बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जिस पर महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है, इसीलिए पितृदोष लगता है। साथ ही गौ हत्या से पितृदोष लगता है। साथ ही महाराज जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि जो हम पिंड दान या तर्पण करते हैं, ये क्या हमारे पूर्वजों को मिलता है, जिस पर महाराज जी ने कहा कि जैसे हमारे पूर्वज पिता का देहांत हो गया तो हम उनकी संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने हमारा भरण पोषण किया है, वही उनका हमसे अब कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम जीवित रहकर उनसे अपना संबंध मान रहे हैं, इसलिए जब हम उनके पिंडदान उनके नाम भजन कीर्तन करेंगे तो वो जिस योनि में होंगे उनको वो प्राप्त होगा, साथ ही उनकी उन्नति होगी। वहीं अगर वो अपने कर्मों की वजह से नरक वगैरह में सजा भोग रहे होंगे तो आपके पिंड वगैरह उनका उत्थान हो जाएगा, उससे साथ ही उनका मंगल हो जाएगा, इसलिए पिंड और तर्पण आदि क्रिया जरूर करनी चाहिए। वहीं एक भक्त ने प्रश्न किया कि ये कैसे पता चलता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो सफल होगी, जिस पर महाराज जी ने उत्तर दिया कि जब दिए की लौ ऊपर की ओर उठने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं। साथ ही अगर पूजा करते हुए कोई मेहमान आपके घर आ जाए तो समझ लीजिए भगवान आपसे जरूर प्रसन्न हैं। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मुख्य चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि ना ही तो आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट पाए और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें।